जी बी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे बीच है पंकज सुराना जी, जो कि बीजेपी के अनुशक्ति विधानसभा के अध्यक्ष है। 2019 लोकसभा इलेक्शन के लिए उनकी रणनीति क्या है वो हमें बताएगी। अब देखिए, एक तरफ जो गठबंधन बना है, महामिलावटी गठबंधन, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और अन्य दलों को मिलाकर, इस गठबंधन में ना नीति है, ना नियत है, ना इनके पास नेतृत्व है। दूसरी तरफ आप देखोगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा नेतृत्व है जिसके एक आह्वान पर, जैसे मोदी जी ने आह्वान किया कि मैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मैं चौकीदार नरेंद्र मोदी हूँ, तो एक दिन के अंदर अंदर, 24 घंटे के अंदर अंदर इस पूरे हिंदुस्तान में लगभग 30-35 लाख लोगों ने मैं पंकज सुराना चौकीदार, मैं सुरेश ऐसी की चौकीदार, इस तरीके का रजिस्ट्रेशन किया है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी के पास नीति, नियत और नेतृत्व तीनों ही है। इसलिए 2019 का ये चुनाव में कांग्रेस पार्टी एकदम पिछड़ी हुई लग रही है, क्योंकि मोदी जी ने जो विकास की गंगा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो विकास की गंगा मोदी जी ने बहाई है, वो विकास की गंगा पर, जैसे आप देख सकते हो इस लोकसभा क्षेत्र में भी, आज़ादी के बाद से लेकर आज तक 50-60 सालों के बीच में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के, जैसे 10 साल एकनाथ गायकवाड़ जी खासदार थे, उनके 10 साल के कार्यकाल में इस लोकसभा क्षेत्र को जो पिछड़ापन मिला है, 2014 में जब लोगों ने राहुल शेवाले जी को चुन कर दिया, 2014 से लेकर 2019 में हम जा रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में भी जा रहे हैं, हम तो 5 सालों का कार्यकाल जो राहुल शेवाले जी का है उसका जनता के बीच में जाकर जवाब देने जा रहे हैं कि राहुल शेवाले जी ने पिछले 5 सालों में क्या किया है। आप देख सकते हो अनेक प्रकल्प, जैसे मेट्रो का काम हमारे यहाँ चल रहा है, मोनो का काम चल रहा है, और बहुत बड़ा जो झोपड़पट्टी का प्रकल्प है हमारे लोकसभा क्षेत्र में, धारावी पुनर्विकास प्रकल्प, जो 50-60 सालों तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार ने लटका कर रखा था, मगर अपने खासदार राहुल शेवाले जी जब इस लोकसभा क्षेत्र से चुनकर गए, उन्होंने पार्लियामेंट में अनेक बार इस विषय को लिया, महाराष्ट्र के गतिशील मुख्यमंत्री से कई बार भेंट की, और अंत में यह हुआ कि धारावी पुनर्विकास प्रकल्प को मान्यता मिली और बहुत जल्द धारावी का विकास होने वाला है। इसलिए अनेक मुद्दों पर राहुल शेवाले जी ने काम किया है। 50-60 सालों में इनके खासदार जी जो नहीं कर पाए, वो हमारे 4.5-5 साल में राहुल शेवाले जी ने किया है। इसलिए चुनाव नरेंद्र मोदी जी को एक तरफ पूरा विपक्ष हटाना चाहता है, और दूसरी तरफ मोदी जी इस देश से भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं, इस देश से मोदी जी महंगाई को हटाना चाहते हैं, इस देश से मोदी जी आतंकवाद को हटाना चाहते हैं, मगर इन काले कारनामों की जो दल, अनेक दल एक हुए, वो उनका मकसद सिर्फ एक है कि देश से जो चौकीदार नरेंद्र मोदी जी ने इनकी काली कमाई पर रोक लगाई है, इसलिए मोदी जी को हटाना चाहते हैं। ये थे हमारे बीच पंकज सुराना जी, जिन्होंने बताया है कि मैं हूँ चौकीदार का मतलब क्या होता है, नरेंद्र मोदी जी ने ये क्यों लगाया टाइटल मैं हूँ चौकीदार। कैमरामैन न्यूज के साथ इरशाद, जीबी न्यूज़।